केसेस में कोट करना चाहता है, ठीक है। इनकी बड़ी डिमांड है कि आपको ध्यान रखना कि एचटीएमएल और सीएसएस तो हर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया गया है, आपने इसको हमेशा हल्के से किया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोडर की भी बहुत डिमांड है, और मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये जो कोडर्स होते हैं ना, अपने यहाँ पे जबलपुर में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और कॉलेजों में आप इन कोडर्स को अच्छी वेतन में रखा जाता है, आपको बताइए। सिवानी मतलब बैठो आ रहे हैं, ठीक है। जिस बंदे को एसटी में सीएस अच्छे से बनता है ना, उस बंदे को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में अच्छी खासी सैलरी का रेट में प्रोफेसर से मिलिंग दी है। मैंने तो कईयों को देखा, मैं भी उसका उदाहरण, मुझे अच्छे से आता था, जिसमें मैं बहुत 21 साल की उम्र में मुझे प्रोफेसर से मिल चुकी थी, आज से 15 साल पहले, ठीक है। जबकि आज भी आप लोग प्रोफेसर नहीं बन पाते क्योंकि आपने क्या किया, कोडिंग नहीं सीखी। तो कोडर्स में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का आपको मौका मिलता है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में कोडिंग कर सकते हो, और संस्थाओं में जाकर सिर्फ क्या करो, ज्यादा नहीं, 2 घंटे इधर वेबसाइट कोडिंग की, 2 घंटे वहां किया, 2 घंटे वहां किया, 40-50 रुपए निकाल दिए। तो कोडर्स के रूप में कई लोग काम करते हैं। आप इंदौर में जा रहे हैं, इंदौर में कितनी कोडर्स मिलेंगे तुम लोग दौड़ के, वो सब क्या करते हैं, सिर्फ एसटी में घर बैठे बैठे कई लोग कोडिंग करते, जाते भी नहीं है, बस तुम्हें वेबसाइट का डिजाइन करा ना भेज दो, 2-4 दिन बना के उन्हें भेज दिए कोडिंग। नेक्स्ट इसके बाद जो जॉब आपको मिलती है वो है वेबसाइट प्रोजेक्ट्स। ये लिखते जाओ, ये सब नौकरियां जबलपुर में इतनी आ रही है ना, मैं तो परेशान हूँ। वेबसाइट प्रोजेक्ट, आपको ये पता है कि कोई भी संस्था जब खुलती है तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाती है, साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों के भी वेबसाइट बनते हैं, इतने सारे दुकानों के वेबसाइट बनते हैं, और यहाँ तक कि जो एमएससी एमसीएमटेक बी वाले भी अपना प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उन लोग के वेबसाइट प्रोजेक्ट भी ध्यान रखने का उठा सकते हैं। तो जिसको काम इस तरह था वो वेबसाइट प्रोजेक्ट उठाकर लाखों कमाता है, जिसका जबलपुर में एक बहुत बड़ा नाम सुनता है, गुप्ता सर, कई लोग जानते हैं गुप्ता सर, एनुअल टर्नओवर ये जो प्रोजेक्ट का टाइम होता था 1.5-2 लाख रुपए का अंदर करता होगा, सिर्फ क्या करता है उसकी कोडिंग अच्छी, सीएसएस की कोडिंग अच्छी, एचटीएमएल अच्छी लाती है, वो मस्त प्रोजेक्ट उठा के अंदर कर रहा है, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, उनको नौकरी देने वाले बन चुके। तो आप क्या करें, वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स भी उठाए, ठीक है। आजकल आप ध्यान रखना, फ्रीलांसिंग में बहुत सारे वेबसाइट के प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, तो आराम से आपको 40-50 हजार रुपए के वेबसाइट के प्रोजेक्ट उठाओ और उसको बनाकर दे दो, लाखों का प्रोजेक्ट मिलता है, 5-5, 10-10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिलता है। तो आप लोग अगर वेबसाइट्स के डिजाइन जिस अच्छी आती है वो कोई भी क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट निकाल सकता है। एक मैं और पोस्ट आपको बताऊंगा जिसको हम कहते हैं कंटेंट राइटर, इसके बारे में हमें जबलपुर में किसी को पता ही नहीं है क्या पोस्ट कंटेंट राइटर, इतनी जॉब है इसकी। आप घर का वेबसाइट में जो लाइन्स लिखी रहती है ना, वो लाइन्स लिखने वाला एक राइटर होता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर वो होता है जो इंग्लिश या हिंदी में व्यवस्थित करके चीजों को लिखकर देता है, जैसे अभी न्यूज पेपर में होता है, न्यूज पेपर में आप देखते हो कि वहां पे जो लिखा रहता है समाचार, तो वहां पे कौन लिखता है समाचार, एडिटर लिखता है। तो कंटेंट राइटर कौन है, एडिटर है बेसिकली। जरूरी क्या, आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है ना, आप हिंदी इंग्लिश में कंटेंट राइटर बनो, कंपनी को क्या करो कंटेंट लिख कर दे और लोग एसटी में से डालते हैं कंटेंट। इसकी भी गजब की सैलरी 18,000 से 20,000 रुपए की सैलरी कंटेंट राइटर की होती है, और वैकेंसी आती है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी इसको देखो naukri.com में ये सारी वैकेंसी दिखती है आपको, बस बात वही है सरकारी दिखती है जाएंगे नहीं। अरे सरकारी सीजन जा रहा है, इसलिए आम के सीजन में आम इंसान खाता है, जब आम का सीजन रहा नहीं तो क्या आम खाओगे, क्या सीजन है गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ रही थी। तो कंटेंट राइटर की पोस्ट बहुत निकलती है हर महीने, कंटेंट राइटर की 18 से 20,000 सैलरी, और करना क्या, तो सिर्फ एक कंटेंट देंगे उसको व्यवस्थित करना, इंग्लिश हिंदी में प्रॉपर लिखना, और लिख के क्या कर देना, सेंड कर देना, और बस हो गया, इतना आपको करना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट राइटर के बाद नेक्स्ट डे रहता है फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर मतलब ये वो बंदा होता है जो नेट से काम करता है, वेबसाइट आपके नेट से काम करता है, और आपको ध्यान रखना है बहुत सारे फ्रीलांसर है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ध्यान रखिएगा, आजकल वेबसाइट्स बन चुकी है जो आपको ऑनलाइन क्या करते काम देते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग का काम देते हैं, और हमारे जबलपुर में भी आजकल बच्चा फ्रीलांसिंग करने लगा क्योंकि उसको मालूम है कि अब नौकरियां मिलनी नहीं है, और फ्रीलांसिंग में पैसा अच्छा मिलता है क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट
और आपको ये अच्छे से पता नहीं जबलपुर में भले तो 5,000 लेने में रोए बाहर किसी काम के लिए 1,00,000 रुपए मिल सर ऐसे फाड़ के जाते क्योंकि बस पैसा अच्छा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए क्या बेस्ट, आपका एस्टीमेट सीए से अच्छा हो फ्रीलांसिंग कर लो, डिजाइनिंग के कॉन्टेक्ट लो, बना बना के रेंट लेते जाओ, पैसा कमाते जाओ। और आप लोग में कितने आप उम्र के लोग इस समय फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं। फ्रीलांसिंग के बाद मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ टेक्स सपोर्ट, ये एक काम भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। टेक्स सपोर्ट, कई बंदे टेक्निकल में फंस जाते हैं, फंसते जैसे आप लोग भी कहते हो फंसते हो कोई चीज, जैसे आपने कोई गैजेट खरीदा आप उस चीज में फंस गए तो आप क्या करते हो सीधे किसको फोन लगाते हो डायरेक्ट, एक नंबर दिया जाता आपको कस्टमर सपोर्ट को, ये कस्टमर सपोर्ट ही टेक्स सपोर्ट है। वेबसाइट बनाने में दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कई लोगों ने टेक्स सपोर्ट की बड़ी बड़ी एजेंसी इंदौर में तो खुली हुई इंदौर भोपाल में तो देख के आए बड़ी बड़ी एजेंसी टेक्स सपोर्ट, सिर्फ किस कारण से किसी को सीएसएस नहीं मिलता सीधा फोन लगाया सर मुझे सीएसएस में दिक्कत है क्या करूँ, ठीक है आप ये करेंगे पासवर्ड में लिखिए दे रही हो पासवर्ड एक सजेशन का पासवर्ड 1,000 रुपये लेते हो टेक्स सपोर्ट। तो टेक्स सपोर्ट ध्यान रखना एक ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या होता है हम किसी भी बंदे को जो टेक्निकल फॉल्ट आता है प्रॉब्लम आती है तो उनको हम क्या करते हैं क्या करते हैं उनको सपोर्ट देते हैं फोन से या आके भी हम सपोर्ट देते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना बहुत पैसा, जबलपुर में एक भी टेक्स सपोर्ट कंपनी नहीं है समय मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इंदौर भोपाल में काफी टेक्स सपोर्ट है, डॉक्टर रायपुर में काफी टेक्स सपोर्ट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, नेक्स्ट आप क्या करते हैं दो बस और है वेब प्रोग्रामर, अगला लिखिएगा वेब प्रोग्रामर। naukri.com के अनुसार मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, कोरोना काल में एक जॉब को छोड़ के सारी जॉब खत्म हुई और वो थी आईटी की जॉब, और कोरोना के बाद आईटी की जॉब रोज निकल रही है, बाकी जगह जॉब ही नहीं है, सिविल इंजीनियर घूम रहा है, मेडिकल घूम रहा है, हर इस बार घूम रहा है, आईटी में नौकरी ही नौकरी है, क्या लग पाने जो हम लोग दिखना नहीं चाहते। और उनमें से एक जॉब ये है वेब प्रोग्रामर, वेब प्रोग्रामर की जॉब हर ऑर्गेनाइजेशन में वेब प्रोग्रामर दो टाइप के होते हैं, एक प्रोग्रामर रहता है जो डिजाइन करता है, एक प्रोग्रामर रहता है जो पीएचपी में डेवलप करता है। इनकी जॉब्स भी ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी मिलता है और इनमें भी आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं बस, और इसमें ऐसी जरूरत नहीं कि बीसीए किया हो एमटेक किया हो तभी कुछ कर सकते हो, बीकॉम वाले भी 3-4 महीने की कोर्स करके अप्लाई कर लेते हैं। अभी हाल ही में जब जनवरी में जब इंदौर गए थे इंदौर का मैंने आपको बताया था, इंदौर में तो मैडम ने साफ कहा था कि बी वाले भी बच्चा अगर 4-5 महीने में उसे वेबसाइट डिजाइन अच्छे से किए तो भेज दो 25,000 सैलरी के साथ, इंदौर में 25,000 स्टार्टिंग बोल रही है, इस साल 40,000 से हो जाएगा। बैंगलोर में तो 3,00,000 की ऑफरिंग थी, मैंने बेसिस के में भी घोषणा की, 5 पायथन प्रोग्रामर बैंगलोर में चाहिए बिना एक्सपीरियंस के 3,00,000 पर मंथ, पायथन प्रोग्रामर इन बैंगलोर खाना पीना कंपनी तरफ से रहना कंपनी तरफ से 3,00,000 अलग से, और हर 6 महीने में 20% इंक्रीमेंट यानी 3,60,000 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद देख लो देखते तो 5-6 लाख पहुंच जाती है। तो ये सारी जॉब्स यहाँ लिखकर निकलती है और मैं भी कई वेबसाइट जॉब्स पे आपको बताते रहता हूँ, उसमें देखते रहते कभी जॉब आती रहती है, आईटी की जॉब भी बताता हूँ उसको भी देखे। और फाइनली आज का लास्ट टॉपिक लेंगे वेब एडमिनिस्ट्रेटर, कितने जॉब होंगे वेब एडमिनिस्ट्रेटर सब बैठो 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 वेब एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर नाम से समझ में आ रहा था ये बंदा कौन होता है, ये बंदा पूरी वेबसाइट को चलाने वाला होता है, क्या होता है जो मालिक होता है कंपनी का ध्यान रखेगा उसका एक्चुअली नॉलेज ये नहीं रहता कि मैं अपनी वेबसाइट को कैसे चलाऊं, सी पैनल्स उसके पास रहता है कुछ कर नहीं पाता, तो वो क्या करता है अपने अंदर में पढ़े लिखे बंदे को रखते हैं वेब एडमिनिस्ट्रेटर, वही क्या करता है फोटो अपलोड करेगा फोटो बनाएगा पोस्ट डालेगा पोस्ट मिटाएगा, इसकी सैलरी मस्त मस्त रहती है। कितने जॉब मैंने बताया डिजाइनिंग सिर्फ सीख ली है 9, और डिजाइनिंग मतलब क्या एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप, उसमें इसके एचटीएमएल सीएसएस तुम लोग ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है सबने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ने के बाद 9 जॉब आपके पास थी। तो ये इसका मेन मोटिव ये है कि आपको आईटी में ये बताना कि आईटी में इसको पढ़ने के बाद क्या जॉब रहती वो मुझे बताना, मेरा मेन क्या होता है अपन लोग बताए जब मैं दोस्त देते रहे कि जॉब नहीं है जॉब नहीं जॉब बहुत है अपने पास अपन को पता नहीं कि कहाँ जॉब है, सीधी बात ये क्या जॉब तो ये सीख के आप क्या कर सकते हो। तो हर सैटरडे ध्यान रखिएगा हम लोग एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और आप लोग कोई टॉपिक बोलोगे तो उस टॉपिक पे ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कोई आप लोग अगर आपके भी सवाल हो कि सर इस
सर स्टॉप है कि नहीं, क्योंकि जॉब के लिए चर्चा करनी पड़ेगी यार। इसे 5,000 रुपए में आज 2020 में जॉब कर रहे हो, इससे ज्यादा श्रम की क्या बात है। अब इंदौर में जाके देखो तो वहाँ पे 25,000-30,000 कमाता है, और यहाँ पे हम लोग 5,000 कमाते हैं। कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 6,000-5,000 ज्यादा 8,000 रुपए पूरे दिन देना पड़ेगा। तो नई चीज पे फोकस अब हमें करना पड़ेगा। अगले सैटरडे में एक नए सॉफ्टवेयर पे जॉब्स की लाइन बताऊंगा कि उसमें जॉब्स कहाँ पे, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। आप उन दोस्तों को थोड़ा बताएं जो पीजीडीसी कर रहे हैं ना, उनको कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वेबसाइट डिजाइनिंग का भी है काम। दसवीं वार्ड के वालों के लिए, दसवीं वार्ड के दिल्ली में देखना, हर पार्टी वाला वहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखता है। दिल्ली में हर पार्टी वाला बच्चा वहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखता है, हमारे यहाँ पे एनसी करने के बाद वेबसाइट डिजाइनिंग को नहीं सीखते। अभी तो कई ऐप ऐसे हैं जो बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, सोचो आप। वाइटेड जूनियर का क्लास को डोमिनेट करने से पहले वाइटेड जूनियर का आपने ऐप देखा होगा, टीवी सभी देखते हो, उसमें कहा ना देश बदलो कोडिंग सीखो, एक लड़की कहती है। नहीं, इसका रीजन क्या है ध्यान रखिएगा, दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, एक ही चीज रहेगा, वो रहेगा आईटी। और क्या रहेगा, सब तो मशीन ले ले रहा है। आज पहले जो मसाले आप ऐसे बनाते थे, आज मशीन मसाले बनाने लगे। पहले जो आप ये पंखे की बोल्डिंग करते थे, ये काम मशीन कर रहा है। कार कौन बना रहा है, मशीन बना रहा है। और उस मशीन की प्रोग्रामिंग कौन करता है, कौन प्रोग्रामिंग करता है, मसाले की मशीन जो घूमती रहती है उसकी कोडिंग होती है, कोडिंग भी कौन करता है, आईटी इंजीनियर करता है। तो अंत तक कौन बचेगा, आईटी बचेगा। इसलिए वो वाइट शर्ट वाले तो सही कह रहे कि दुनिया बदलो कोडिंग सीखो, क्योंकि कोडिंग ही अंततः सच्चाई है और आईटी ही अंततः आपको रोजी रोटी देगी। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कंप्यूटर के दम पे ही खाएगी। सब तो काम बंद हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ कंप्यूटर। कोई टैली सीख के कमाएगा, कोई एक्सेल सीख के कमाएगा, कोई पाइथन सीखेगा, कोई पीएचपी सीखेगा, और जो कुछ ना सीख पाया तो बैठ के वही चालू नर्मदा मैया की जय, पैसा दे दे बाबा। ठीक है, तो सेशन सही लगा आपको? ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको नई नई लाइन दिखे। अब आप लोग बताओ अगले सेशन में अपन कौन से टॉपिक पे बात करें, इसमें कौन तुम को रोल और तो और कोई नहीं बताओ। अगले उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर के, या डीडीपी पे या टैली पे या किस पे, अगले बार किस सॉफ्टवेयर की जॉब के बारे में बताओ, जॉब के बारे में जानना चाहोगे। टैली में चलो ठीक है, और बाकी ये कुछ लोग कुछ कह नहीं रहे, तुम लोग क्या वो डेवलपर की जॉब है, ठीक है वो भी। और चलो टैली रख देते अगले बार का टॉपिक, अगले बार का टॉपिक ठीक है, आप टैली रख रहे हैं।